हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर पीडी एजुकेशन। सो अगर फ्रेंड्स आप लोग गेट 2021 की तैयारी कर रहे हो तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है कंसेप्ट बूस्टर। ओके, एंड इसके अंदर डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं जिसके अंदर आपको डाउट है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसके अंदर बेसिकली कंफ्यूज होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एंड फर्स्ट कंसेप्ट जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेट्रोलॉजी का कंसेप्ट है। ओके, एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा जो बेसिकली मेट्रोलॉजी के अंदर लिमिट्स एंड फिट्स का लिमिट्स एंड फिट्स वाला जो वीडियो अपलोड किया, एक्चुअली मैंने दो वीडियो अपलोड किए हैं, वीडियो वन एंड वीडियो टू। ओके, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इससे पहले वो देख लो सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सो स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम के ऊपर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं दैट कोई भी चीज़ आप बनाते हो तो उसको एग्जैक्ट साइज में बनाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको दो लिमिट्स के अंदर बनाते हो आप, एक उसको मैक्सिमम साइज के अंदर, एक मिनिमम साइज के अंदर। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो इसको फास्टली हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए शाफ्ट हैज़ टू बी मैनुफैक्चर टू ए डायमीटर ऑफ 40 प्लस माइनस 0.02 mm. दिस मीन्स दैट द शाफ्ट विच हैज़ द बेसिक साइज ऑफ 40 mm, बोल रहा है कि शाफ्ट को आप एग्जैक्ट 40 mm का नहीं बना सकते, तो आप उसको प्लस माइनस 0.02 mm का बना दोगे तो चलेगी। ओके, सो विल बी एक्सेप्टेबल इफ इट्स डायमीटर लाइज एनी वेयर बिटवीन द लिमिट्स ऑफ साइज। अब क्या है, अगर आप 40 प्लस 0.02 करोगे तो कितना बनेगा? सर वो बनेगा 40.02 mm, और अगर इसमें से आप 40 माइनस 0.02 करोगे तो वो कितना बनने वाला है? 39.98 mm। तो इसको आप लोग बोल देते हो लोअर लिमिट एंड इसको बोल देते हो अपर लिमिट। तो इनमें से अगर कोई भी साइज आप बनाओगे और इसका बीच का साइज बनाओगे तो वो पार्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे ये लोग। ओके, तो लोअर लिमिट इतनी है एंड अपर लिमिट आपके पास ये। देन द परमिसिबल टॉलरेंस, तो जो अपर एंड लोअर लिमिट के बीच में साइज का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं टॉलरेंस, एंड ये कितना आएगा, 40.02 माइनस 39.98, दैट इज 0.04। ओके, नाउ एक इसी के साथ कंसेप्ट हम लोग और ऐड कर लेते हैं दैट कैसे आपने शो करना है। फॉर एग्जांपल, ये होल है और ये शाफ्ट है, यहाँ पे शाफ्ट है तो शाफ्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कैसे शो करना चाहिए आपको, दैट मिनिमम साइज इसका ये होना चाहिए 39.98। ओके, यहाँ तक, एंड मैक्सिमम साइज इसका क्या होना चाहिए, 40.02। ओके, ये इसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए, ऐसे ही आप ये शो कर सकते हो। और अगर मैं बोलूँ ये कितना है, तो सर अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो वो आएगा 0.04, तो सर हाफ लाई करेगा यहाँ पे 0.02, एंड सर हाफ लाई करेगा यहाँ पे 0.02। ओके, तो एक तो इसको शो करने का तरीका ये है, लेकिन आप लोग क्या है मेट्रोलॉजी के अंदर इस बेसिकली टॉलरेंस को दोनों साइड शो ना करके एक ही साइड पे शो करते हो, तो आप यहाँ पे इसको बोल देते हो एक साइड पे आपने टॉलरेंस बना दिया 0.04, एंड मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है इसका, 40.02। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो मिनिमम साइज कितना हो जाएगा, 39.98। सो इसका साइड व्यू देखोगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि थिकनेस एंड बेसिकली टॉलरेंस जोन का क्या बेसिकली डिफरेंस है एंड किसको कैसे शो करते हैं। ओके, एंड गेट के अंदर क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रोप्लेटिंग से, तो उसको देखने से पहले एक बेसिक टर्म्स एंड क्लियरेंस के बारे में देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये होल है एंड ये होल का टॉलरेंस जोन। ओके, एंड ये शाफ्ट है एंड ये शाफ्ट का टॉलरेंस जोन। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दैट मिनिमम होल कितने साइज का बन सकता है, तो सर मिनिमम इतने साइज का बन सकता है एंड मैक्सिमम होल सर इस साइज का बन सकता है। ओके, शाफ्ट मैक्सिमम इस साइज की बन सकती है एंड शाफ्ट मिनिमम इस साइज की बन सकती है। ओके, मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट ये होगा, इस एरो को आप करेक्ट कर लेना। ओके, तो यहां से यहां तक ये मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट होगा। अब अगर हम लोग बात करें क्लीयरेंस की, तो मिनिमम क्लीयरेंस हम किसको डिफाइन करते हैं, क्लीयरेंस का मीनिंग आप लोग याद रखिए होता है गैप। क्लीयरेंस का मीनिंग होता है गैप। अब इसको आप लोग फीमेल पार्ट भी बोलते हो एंड इसको मेल पार्ट भी बोलते हो आप लोग। ओके, तो यहां पे मेल पार्ट को आपको होल फीमेल पार्ट के अंदर इंसर्ट करना है। तो इसका मीनिंग क्या है यहां पे, दैट होल आपका जब सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होगा, जब सबसे स्मॉलेस्ट साइज का होल एंड शाफ्ट जब सबसे बड़े साइज का होगा, अगर गैप लाई कर रहा है होल एंड शाफ्ट के बीच में, तब उसको बोलते हो आप मिनिमम क्लीयरेंस। एंड मैक्सिमम साइज ऑफ होल एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट के बीच में जो लाई कर रहा है, इसको बोलते हो आप लोग मैक्सिमम क्लीयरेंस, और क्लीयरेंस को आप लोग और क्या बोलते हो, गैप। ओके, तो इसको मैक्सिमम गैप हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर मेरे को मिनिमम क्लीयरेंस डिफाइन करनी हो, कैसे डिफाइन करूंगा, मिनिमम साइज ऑफ होल, अगर मैं मिनिमम साइज ऑफ होल में से
माइनस कर दूं मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट. ओके मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट क्या है, ये वाला. ओके ये मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट. तो इसमें से अगर ये माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, मिनिमम क्लियरेंस. तो मिनिमम क्लियरेंस आपको पता चल गया. ओके अब अगर आपको कोई बोल दे कि लिमिटिंग केस की बात करते हैं, लिमिटिंग केस. हम लिमिटिंग केस का मीनिंग क्या होता है कि आपको क्लियरेंस चाहिए लेकिन लिमिटिंग की मिनिमम साइज कितना होना चाहिए शाफ्ट का. तो सर मिनिमम अगर शाफ्ट का साइज इस होल से ऊपर चला गया तो शाफ्ट इसके अंदर नहीं जा सकती, इस होल के अंदर नहीं जा सकती. कंडीशन ये है कि होल इस साइज का बनेगा. ओके इसीलिए मिनिमम आपका शाफ्ट होल के बराबर तो होना ही चाहिए. ओके उससे कम होगा तो क्लियरेंस होगी और मिनिमम इतना तो होना चाहिए. तो लिमिटिंग केस में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि लिमिटिंग केस का मीनिंग क्या है कि जब आपके पास क्लियरेंस कितनी हो जाएगी, जीरो. तो जब क्लियरेंस जीरो हो जाएगी तो मिनिमम साइज ऑफ होल इज इक्वल टू मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट. सो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट इक्वल टू मिनिमम डायमीटर ऑफ होल. सो यहां पे आप लोग देख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा मैक्सिमम शाफ्ट. ओके एंड यहां पे आपका मिनिमम होल, ये मिनिमम साइज ऑफ होल, ये दोनों बराबर हो जाएंगे. तो अगर आपको इतनी चीज समझ आई तो अब हम लोग कंसेप्ट को समझ सकते हैं जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है. ओके सो ये क्वेश्चन आया था गेट के अंदर, ए सर्कुलर शाफ्ट हैविंग डायमीटर. तो ये कुछ लिमिट्स गिवन है इसके. ओके तो मैक्सिमम साइज कैसे निकाल सकते हो, 65 प्लस 0.01 दैट इज 65.01. एंड मिनिमम साइज कैसे निकाल सकते हो, 65.00 माइनस 0.05 दैट इज 64.05. ओके तो ये तो आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट निकाल लिए. इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टर्निंग प्रोसेस. ओके ए 50 माइक्रोमीटर थिक कोटिंग. ओके यहां पे क्या गिवन है, थिक का मीनिंग होता है थिकनेस. कोटिंग ऑफ ये बेसिकली टिन नाइट्रेट इज डिपोजिट ऑन द शाफ्ट अलाउड वेरिएशन इन टिन फिल्म थिकनेस ऑफ प्लस माइनस 5 माइक्रोमीटर. अब क्या है, आपने बोला है कि इसका शाफ्ट बना दिया, अब शाफ्ट के ऊपर कोटिंग करनी है. और कोटिंग जब लगाओगे तो उसको भी एग्जैक्टली सेम साइज का नहीं लगा सकते, उसके अंदर भी वेरिएशन होगा. ओके सो कोटिंग का मैक्सिमम साइज कितना कर सकते हो आप, तो थिकनेस गिवन है आपको, लेकिन जब भी आप लगाओगे तो आपको तो डायमेट्रिकली देखना है, तो थिकनेस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2 इंटू मैक्सिमम साइज हो सकता है 50 प्लस 5. ओके इतने साइज की हो सकती है कोटिंग. एंड मिनिमम कितने की हो सकती है सर, 2 इंटू 50 माइनस 5. ओके ये है बेसिकली मैक्सिमम साइज ऑफ कोटिंग, ये है मिनिमम साइज ऑफ कोटिंग. ये हमने प्लस माइनस करके कैसे निकाला, जैसे शाफ्ट का साइज निकाला था. ओके अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी साइज आएगा वो कोटिंग का साइज आएगा. एंड 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, आपको पता है जब भी आपको थिकनेस गिवन होती है तो पूरे डायमीटर के ऊपर लेने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ओके जैसे मैंने इस डायग्राम के आपके अंदर भी बताया था, आपको दोबारा से देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर ये थिकनेस है तो ये थिकनेस है तो इधर भी आपको शो करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. ओके सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है. अब इसको मैं रब कर देता हूं एंड आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को. द मिनिमम होल डायमीटर टू जस्ट प्रोवाइड द क्लीयरेंस फिट. तो मिनिमम होल डायमीटर कितना होना चाहिए, मिनिमम की बात कर रहा है ये. ओके मैक्सिमम तो आप बेसिकली कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, सो मिनिमम कितना होना चाहिए टू प्रोवाइड द क्लीयरेंस फिट. सो मिनिमम कितना होना चाहिए उसका हमने अभी कंडीशन पढ़ी है, सर मिनिमम डायमीटर ऑफ होल शुड इक्वल टू मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट. सो जो शाफ्ट मैक्सिमम पॉसिबल साइज की होगी उसी के बराबर होगा. अब यहां पे देखो मैक्सिमम कोटिंग कितनी होगी, 50 प्लस 5 इंटू 2 दैट इज 1110 ये माइक्रोमीटर. तो इसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड किया तो कोटिंग मैक्सिमम इतनी लगा सकते हो. एंड मिनिमम कोटिंग कितनी लगा सकते हैं सर, इतनी ऐसे आप कर सकते हो, 50 माइनस 5 इंटू 2 90 बाय 1000 दैट इज 0.090 mm. ओके ये गेट 2019 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. ओके अब आपने क्या निकालना है एक्चुअल में, मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट, मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट कितना पॉसिबल है. तो पहले हम शाफ्ट की बात कर लेते हैं, ये तो होल है आपके पास. तो आपने निकाला है दैट शाफ्ट का मैक्सिमम साइज इतना हो सकता है 65.01 एंड 64.95 शाफ्ट का मिनिमम साइज हो सकता है. ओके अब यहाँ पे लिमिटिंग केस है जैसे मैंने आपको बताया और ऐसे बराबर होना चाहिए ये. ओके तो शाफ्ट का मैक्सिमम साइज एंड होल का मिनिमम साइज बराबर होगा. अब आपने शाफ्ट बना ली इस साइज की दैट इज 65.01, उसमें से एक आपका ये शाफ्ट का साइज पॉसिबल है दैट इज अपर लिमिट ऑफ साइज, एंड लोअर लिमिट ये पॉसिबल है 64.95. अब
यहाँ पे मैं आपको दोनों केस को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन सेंस से पता चल जाएगा, आपको मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट देखना है, तो मैक्सिमम तो यही पॉसिबल होगा। इसके बाद कोटिंग लगाओगे ना आप, जो भी लगाओगे, तो सबसे पहले शाफ्ट को बनाओगे, उसके बाद कोटिंग आप लगाओगे, तो इसके ऊपर हम लोग कोटिंग देखेंगे। ओके, तो इस स्लाइड को मैं स्किप करके पहले आपको ये बताता हूँ कि आपने शाफ्ट को मैक्सिमम साइज का बना दिया सर, इस साइज का। अब इसके ऊपर जब कोटिंग लगाओगे, को कोटिंग के दो साइजेस पॉसिबल हैं, 0.110 एंड 0.090। ओके, अब जब कोटिंग लगेगा 0.110 का ऑन 65.01 mm शाफ्ट, तो क्या साइज होगा शाफ्ट का सर? 65.12, दैट इज जब मैक्सिमम कोटिंग लगाओगे। एंड जब आप मिनिमम कोटिंग लगाओगे तो 65.01 प्लस 0.090, दैट इज 65.10, दैट इज मिनिमम कोटिंग। तो यहां पे कोटिंग मिनिमम होगी। अब आपको क्या देखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल डाया ऑफ शाफ्ट कितना है, तो सर मैक्सिमम तो इतना ही पॉसिबल है, 65.12। अब अगर आप मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट लोगे तो वो कितना था, 64.95। अब इस पे मैक्सिमम कोटिंग लगाओगे 0.110 की, तो इतना साइज होगा। मिनिमम कोटिंग लगाओगे तो इतना, तो ये 64 पॉइंट समथिंग, 64 पॉइंट समथिंग, और ये है 65 पॉइंट समथिंग, तो 65। तो इसका मतलब इन दोनों में से ही एक है, और इन दोनों में से भी कौन सा, मैक्सिमम वाला। तो यही आपका आंसर हो जाएगा उस क्वेश्चन का, दैट इज 65.12। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है उसके लिए, 65.12, ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये कुछ कंसेप्ट था आज का कोटिंग के रिलेटेड, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब एक क्वेश्चन 2017 में भी आया था 1 मार्क्स का, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, सेम आपको सिलेंड्रिकल पिन गिवन है, इलेक्ट्रोप्लेट किया है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थिकनेस इतनी से इतनी एमएम वेरी कर रही है, निगलेक्टिंग द गेज टॉलरेंस डायमीटर अप टू 3 डेसिमल प्लेट प्लेस एक्यूरेसी ऑफ द गो रिंग गेज, गो रिंग गेज टू इंस्पेक्ट द प्लेटेड पिन, पिन को इंस्पेक्ट करने के लिए जो गो रिंग गेज बनाओगे आप, उसका मेरे को साइज बता दो, मिनिमम साइज आपने निकालना है कि कितना होगा। तो इसका आपने कमेंट करके बताना है कि कितना साइज होगा। अगर हम लोग गो गेज की बात करें, तो गो गेज का साइज जो होगा वो होगा मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट के इक्वल। ओके, तो मैक्सिमम डाया ऑफ शाफ्ट के इक्वल होगा, तो आपने मैक्सिमम डायमीटर ऑफ शाफ्ट और इसके इसमें पिन का आपने निकालना है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था इसके बारे में, एंड नेक्स्ट कंसेप्ट आप कौन सा देखना चाहते हैं उसको मेरे को कमेंट करके बताओ। यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट फ्रॉम प्रोडक्शन विल बी कौन सा होगा वो आप कमेंट करके बताओ। एंड फ्रेंड्स ऐसे ही कंसेप्ट को शेयर करते रहे, इसीलिए आप वीडियो को क्या करो, अच्छे अपने जो दोस्त वगैरह हैं, ग्रुप्स वगैरह हैं, उसके साथ शेयर करो, सो दैट कि मैक्सिमम बूस्टअप मिले एंड हमारा भी कॉन्फिडेंस हाई जाए एंड आप भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखो। सो फ्रेंड्स कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग विद योर पीडी एजुकेशन। थैंक यू वेरी मच।